मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो गूगल पे सर्च कर लें और देख लें कि आज से 50 साल पहले भी क्या नियम थे। यही नियम थे कि जब फ्लड आएगा और 70,000 क्यूसिक तक पानी आ जाएगा तो उसको पानी को जमुना में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो क्योंकि कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास व्यवस्था अच्छी है इसलिए हमने उसको 1,00,000 क्यूसिक कर दिया। अब हम 1,00,000 क्यूसिक पानी ज्यादा होने के बाद हम उसको जमुना में छोड़ते हैं। हमने 30,000 को बढ़ा लिया क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था होगी, हम उसको ले जा सकते हैं। नहीं तो ये कोई आज का नहीं है, ये तो पता नहीं कब से है, हमारे पैदा होने से पहले ही है कि जब 70,00,000 क्यूसिक पानी आएगा तो उसको जमुना में छोड़ देंगे और उसको जमुना ही मतलब खपा सकती है। बाकी नहरों की मस्का नहीं है, वो नहरों की तो कैपेसिटी है। जो हमारी साइड की नहर है मान लीजिए मेरे सामने सामने उसकी 15,000 क्यूसिक थी, अब सरकार ने बढ़ाया गया उसको 25,000 क्यूसिक का कर लिया तो 25 ही यहां चला गया और 10 परली साइड मतलब 35 तो जा सका और 35 भी जमीन तो जाएगा जब जरूरत होगी। अगर बिना जरूरत के ऊपर छोड़ देंगे तो वो वहां भी नुकसान करेगा। तो ये तो एक बड़ा दरिया है जानना, वही इस चीज को संभाल सकता है इसको। वैसे नहीं कोई प्रदेश को कोई नहरी पानी में छोड़ के, टेल में छोड़ के और पानी गांव में छोड़ गए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई भी आदमी इसकी सर्च करके देख सकता है कि आज से 50 साल पहले तक भी क्या नियम है। देखिए जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके पद के अनुसार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब ये कहना कि अब फ्लड आएगा, अब पानी ले लो, उस टाइम नहीं लेते। देखिए जो दरिया है ना जी, वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाया नहीं, किसी की सरकार ने नहीं बनाया, वो तो प्रकृति के बनाए दरिया है, वो चल रहे थे। लेकिन जब वेलफेयर वाली सरकार आई तो उसने क्या किया कि उनको बंद किया, पानियों को रोक लिया और सिंचाई के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये जो बंटवारे की बात होती है, सिंचाई के पानी की बात होती है, फ्लड का पानी ऐसा दरिया में ही चलता है जो दरिया प्राकृतिक रूप से बनाया है। और ये कहना है कि उसको ले लो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है, लोगों को बहकाने की बड़ी बात है। इसी प्रकार से यहां आप देख रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जमुना में पानी छोड़ दिया। जमुना किसी सरकार ने बनाई थी? जमुना तो कुदरत की बनाई जमुना है और जमुना में ही सारा पानी पहले से चलता था। अब उसके बाद जो वेलफेयर सरकार आई, वेलफेयर सरकार ने क्या किया कि पानी को रोक लिया और पानी को रोक के किसानों के लिए ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो जाए उसका देना शुरू कर दिया। अब कुछ पानी यूपी में चला गया, कुछ पानी हरियाणा में चला गया, कुछ पानी दिल्ली के पास चला गया। और जब से बैराज बना, बैराज इसलिए बना कि सही रूप से पानी का बंटवारा हो सके। तो वो बंटवारा वो करने का काम कर रहा, लेकिन वो पानी रोकने का काम नहीं कर सकता, वो उसकी ताकत ही नहीं रोकनी, वो बंटवारा करने का ही काम कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदारा बयान है और लोगों को बहकाने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस प्रकार की आदत है, उसके व्यवहार में ऐसा है कि लोगों को गुंग करना और बहकाना और बाद में हमको ये दिखाना है देखिए नहर सूखी है और ये नहर सूखी है। तो अगर फ्लड पहले ये रहा तो नहर में पानी छोड़ के और फ्लड ले आऊंगा। अगर दिल्ली में व्यवस्था गड़बड़ हुई तो उसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसके नाक नीचे ही लोग यमुना में बसते रहे, उन्होंने अपने झुग्गी झोंपड़ी या मकान उसने बना लिए और उसने कार्रवाई नहीं की। और अभी तो यमुना में केवल 3-3.5 लाख पानी आया, क्यूसिक पानी आया। अगर पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो कितनी ही बार इससे ज्यादा पानी आ चुका है। कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं था लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनकी गलती से ये सारा कुछ है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो दूसरों के ऊपर थोपड़ेगा।